नाबालिका को बलात्कार अभियोग रे बंधा हेले दिल्ली सरकारी अधिकारी। दिल्ली पुलिस महिला और शिशु विकास विभाग रो जणे अधिकारी नाबालिका को बारंबार दुष्कर्म करथिबा अभियोग आछि। तबे नाबालिकांक सह अनैतिक संपर्क रखी तांकु गर्भवती कराइथिले आउ परे नाबालिका को गर्भपात कराइबार औषध भी देइथिले अभियुक्तंकर पत्नी। आउ जेउंदि पई नाबालिका जणक एबे गुरुतर होई मेडिकल चिकित्सा होछन्ति। एबे अभियुक्त स्वामी स्त्री को गिरफ्त करी दिल्ली पुलिस। तेबे अभियुक्त सरकारी कर्मचारी हेउछन्ती प्रमोदय खाका। सूचना रही पीड़िता जनक अभियुक्त अधिकारी मृत बंधु झी। तेबे आर्थिक परिस्थिति पई बापा मृत्यु पर प्रमोदय घरे काम करने को आसते हेले एभली घृण्य काम करते डेपुटी डायरेक्टर पदवीरे प्रमोदय। तेबे एभली अपराध घटाइबारे पत्नी भी सांगरे थिले। सेपटे पीड़िता को भेटिबा पई डीसीडब्ल्यू रो मुख्य स्वाति मालिक डाक्तरखाना पहुंचते हेले पीड़िता को डाक्तरखाना भेटिबा को अनुमति दिया जाय नथिबा बि से दाबी करछन्ती। दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक आदमी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे काफी सालों से कार्यरत है। इस आदमी के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आई है कि इसने एक 16 साल की माइनर बच्ची का रिपीटेडली रेप किया और उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर उसके बच्चा गिराने की कोशिश करी जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इश्यू करा है क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा हम सरकार को भी नोटिस इश्यू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से दशकों से कार्यरत है तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा। से बड़े घटना को नहीं डीसीपी सागर सिंह कलसी कहते उत्तर जिला रो बुरारी पुलिस स्टेशन रे एही मामला रुजु करा जायतिला जहां को नहीं तदंत आरंभ परे एबे उक्त अभियुक्त को गिरफ्त करा जायछि। ये आरोपी हमारे पास हैं उनको हम इंटरोगेट कर रहे हैं। लीगली जो भी एग्जामिनेशन है उनका अंडरवे है। 164 स्टेटमेंट भी हम उसको इफेक्ट कर रहे हैं उसके चलते जो लीगली आगे इंटरोगेशन और 164 के चलते होगा इन्वेस्टिगेशन विल बी परस्यूड। सर 164 हो रहा है सर जी। अच्छा सर अभी डीसीडब्ल्यू चीफ भी गई है अस्पताल में और कह रही है कि पुलिस उनको मिलने नहीं दे रही है अभी मैं पता करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिनिधि।